शक्कर की बोरियों से लदा ट्रक बरगी थाना अंतर्गत स्थित रमनपुर की घाटी के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके चलते चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बरगी पुलिस मौके पर पहुंची और चालक के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचाया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बरगी पुलिस ने बताया कि रमनपुर घाटी के पास नागपुर से शक्कर की बोरियों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते जिला गाजीपुर के फतेहपुर के रहने वाले 32 वर्षीय चालक विजय की मौके पर ही मौत हो गई। मार्ग पर ट्रक पलटने के कारण जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मार्ग से ट्रक को हटवाया, जिसके बाद मार्ग सुचारू हो सका। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हाँ, आज मैं ड्यूटी ऑफिसर में था, सुबह सूचना आई कि रमनपुर घाटी के पास एक ट्रक पलट गया है। तो मैं गया, मौके पर देखा एक ट्रक था जो शक्कर लोड थी, जिसमें वो नागपुर से आ रहा था और रमनपुर घाटी के पास पलट गया है। तो उसका जो है ड्राइवर जो था, उसका नाम अभी मालिक से बात करने पता चला, विजय कुमार, पिता रमेश राम, उम्र 32 वर्ष, निवासी जो है ग्राम फतेहपुर, थाना बिरौन, जिला गाजीपुर का रहने वाला था। उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई है, उसी को पोस्टमार्टम के लेके आए हैं, बाकी जाँच कर रहे हैं। अब जहाँ के बाद जो भी पाएगा, सहायक उप निरीक्षक रामकरण मिश्रा, थाना वर्गी, जिला जबलपुर।